हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैंने बनाया है सूजी का हलवा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सूजी का हलवा बनाने के लिए एक पैन लिया है मैंने, गैस को ऑन कर दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो ये मैंने 5 काजू, 5 बादाम लिया है जिसको काट लिया है, और ये 10 किशमिश है। सारी चीजों को हम घी में भून लेंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आप ऐसे भी ड्राई फ्रूट्स काट के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप भून के डालेंगे तो हलवा और भी टेस्टी बनेगा। किशमिश भून गया है, मैं पहले किशमिश को निकाल देती हूँ, नहीं तो किशमिश जल जाएगा। सबसे पहले किशमिश को निकाल लेंगे। बादाम और काजू भी अच्छे से भून गया है, तो इसको अब निकाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैंने निकाल दिया है। अब बचे हुए घी में मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम सूजी। सूजी को हम लो फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि सूजी हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाए। ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, बस हल्का सा करेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हम सूजी को लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, नहीं तो सूजी जल जाएगा। सूजी को हम चलाते रहेंगे, नहीं तो सूजी जो है वो जल जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ऐसे चलाते ही रहना है। सूजी भुन गया है, इतना ही सूजी को भूनना है। जैसा कि मैंने बताया था कि ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे सूजी को, हल्का सा ब्राउन करना है। तो ये सूजी हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। सूजी को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 1 गिलास पानी इतने सूजी के लिए काफी है। पानी डाल के सूजी को अच्छे से मिला लेंगे और इसका फ्लेम अभी मीडियम कर देंगे। सूजी उबल गया है, अब इसमें डाल देंगे चीनी। ये 50 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम सूजी लिया है मैंने और 50 ग्राम चीनी। जितना सूजी लेंगे उसका आधा चीनी लेंगे। चीनी को भी इसमें मिला देंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट्स को मैंने भून के रखा है, ये ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल देंगे। इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जो हलवा है वो नीचे बर्तन में चिपक जाएगा। 2 मिनट तक और इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि सूजी को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी पक जाता है। आप चाहें तो हलवा को आधा ढक भी सकते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में उड़ता भी है, आपको पड़ सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, या फिर थोड़ा दूर से ही इसको चलाएं।
2 मिनट हो गया है, अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को भी हलवे में अच्छे से मिला लेंगे। इलायची पाउडर को मैंने हलवे में अच्छे से मिला लिया है, तो अब ये हलवा बनके रेडी है। आप देख सकते हैं इसी तरीके का हलवा रखना है, इतना ही गीला। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं। थोड़ा सा हलवा मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इसको गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काजू लिया है और बादाम, इससे गार्निश कर लेंगे। और 5-6 केसर के धागे। तो ये हमारा सूजी का हलवा बनके रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।